हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूनिकॉर्न एकेडमी। तो गाइस, ये लेक्चर 2 है एल्काइल एंड एराइल हैलाइड्स का। एंड पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि एल्काइल हैलाइड्स कितने टाइप्स के होते हैं एंड मोनो हैलाइड्स के भी टाइप्स देखे एंड सभी टाइप्स के एग्जांपल एंड बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में देखा हम लोगों ने। एंड इस लेक्चर में जो कि सेकेंड लेक्चर है एल्काइल एंड एराइल हैलाइड्स का, इसमें हम लोग देखने वाले कि मोनो हैलाइड्स को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज है, जिसमें बहुत सारे रिएक्शन हम लोग देखने वाले हैं एंड उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसपे छोटे से छोटे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जेई एंड नीट में। तो चलिए, मैं आपको बोर्ड की तरफ लेके। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मोनो हैलाइड्स को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सीधे ऑन पॉइंट आते हैं। सबसे पहला मेथड हम लोग देख लेते हैं, हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स। हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स, तो एल्केन्स के हैलोजिनेशन से हम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं मोनो हैलाइड्स को। जैसे कि मैं एक कोई ले लेता हूँ RH, उसके साथ साथ मैं कोई हैलोजन डाल देता हूँ, तो Cl2 अगर मैं डाल देता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ UV लाइट, ओके यूवी, इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट अगर मैं इसमें Cl2 डाल देता हूँ, एल्केन में हैलोजिनेशन करवा देता हूँ, मतलब कोई भी क्लोरीनेशन का मैं एग्जांपल दे दिया यहाँ पे, तो ये बन के आता है आपका RCl एंड उसके साथ साथ जो है वो आपको एक एसिड HCl एसिड भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप जो है वो प्रिपेयर करवा लिए RCl एंड दिस इज़ वन मोनोहैलाइड्स। तो हम लोग ऐसे प्रिपेयर कर सकते हैं मोनोहैलाइड्स को। पहला मेथड था हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। अब दूसरा मेथड देख लेते हैं, इसमें हम लोग क्या करेंगे, एल्कीन्स में पहले एक एल्कीन लेंगे एंड एल्कीन का एडिशन रिएक्शन करवाएंगे HX के साथ, ओके एल्कीन्स प्लस HX। ये हम लोग कैसे करवा सकते हैं, तो जैसे एक मैं आपको लेके दिखाता हूँ, जैसे ये हो गया एल्कीन कोई भी ले लेते हैं, तो RCH डबल बॉन्ड CH एंड उसके साथ भी कोई R लगा हुआ है, तो ये एल्कीन्स हो गया हमने ले लिया एंड उसके साथ साथ जैसे कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ HX का एडिशन करवाना है, X में लिख देता हूँ अच्छे से, तो HX का जो एडिशन करवाना है तो वो जाके क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये बन जाएगा आपका RCH2 एंड उसके साथ साथ लगा रहेगा CHXR। मतलब ये जो डबल बॉन्ड है ये क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, ये जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। तो जैसे ये डबल बॉन्ड टूटा तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया इस कार्बन एटम पे एंड इस कार्बन एटम पे भी एक हाइड्रोजन आ गया, तो ये क्या बन गया, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया एंड दोनों तरफ जो है वो एक एक जो है वो क्या आ गया, हाइड्रोजन आइटम आ गया एंड उसके साथ सॉरी मतलब इधर तो हाइड्रोजन आइटम आया एंड इधर आपका आ गया क्या, हैलोजन। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हैलोजन आइटम आ गया एंड यहाँ पे हाइड्रोजन आइटम जो है वो आ गया, तो ये जो बन गया आपका दैट इज़ ऑल्सो मोनोहैलाइड। तो दो मेथड हमने देख लिए कैसे कैसे मोनोहैलाइड्स को प्रिपेयर जो है वो कर सकते हैं। एंड एक और चीज़, ये हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स वाले में आपको एल्केन जो है वो एक्सेस में लेना पड़ता है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे अब हम लोग बात कर लेते हैं तीसरे मेथड के बारे में। दो मेथड हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि कैसे हम लोग मोनो हैलाइड्स को प्रिपेयर करवा सकते हैं, अब हम लोग एल्कोहल्स के हेल्प से कैसे मोनो हैलाइड्स प्रिपेयर कर सकते हैं वो देखते हैं, ओके। तो एल्कोहल्स के हेल्प से कैसे बन सकता है, उसमें भी कुछ पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि HX के यूज़ से कैसे करवा सकते हैं। तो जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ, RCH2OH ले लिया, इसमें मैं क्या डाल रहा हूँ, HX इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो ये जो बनता है वो बन जाता है RCH2X, मतलब OH जो है वो रिप्लेस हो जाता है किससे, X से। X क्या है, हैलोजन है। तो ये बनता कैसे है, इसका मैकेनिज्म समझ लेते हैं हम लोग, मैकेनिज्म है कैसे, ओके। तो मैकेनिज्म में सबसे पहले जैसे ये RCH2OH है तो O के पास लोन पेयर होगा एंड ये जो HX है ये H प्लस और X माइनस में टूट जाएगा, तो ये जो H प्लस है वो O के लोन पेयर पे अटैक करेगा एंड यहाँ पे जो है लोन पेयर पे अटैक करने के बाद क्या हो जाएगा, RCH2 फिर
सॉरी ये सी एच टू, टू मैं अच्छे से लिख देता हूँ, आर सी एच टू, फिर ये ओ हो गया, एच ऑलरेडी था एक, एच हो गया, एंड उसके बाद एक और एच आ गया, जैसे कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ एच अटैक कर रहा है, तो ये जो है वो प्लस साइन यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या होगा, ये जो बॉन्ड है वो ओ जो है वो अपनी तरफ खींचेगा, तो फिर ये क्या बनाएगा अगले स्टेप में, यहाँ पे बन जाएगा आर सी एच टू, एंड सी पे प्लस आ जाएगा, एंड यहाँ कार्बो कैटायन का फॉर्मेशन जो है वो हो जाएगा। ओके, अब ये बनने के बाद क्या होगा, यहाँ पे ऑलरेडी देखे थे हम एच एक्स से क्या मिल रहा था हम लोग को, एक एच प्लस मिल रहा था और एक एक्स एक्स माइनस मिल रहा था, एच प्लस का हमने यहाँ पे यूज़ किया। अब आर सी एच टू प्लस में एक्स माइनस हम लोग ऐड कर देंगे, एंड बाद में ये बन के आएगा आर सी एच टू एक्स, ये आपका एंड प्रोडक्ट जो है वो आर सी एच टू एक्स बन के आ जाता है, जो हम लोग को प्रिपेयर करना है। ये मोनोहेलाइड बन गया है, तो ये हमने मैकेनिज्म देखा है, मैकेनिज्म के हेल्प से जो है वो बहुत सारी चीज़ें हम बता सकते हैं, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है वो हम लोग इसमें तय कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने ऑलरेडी आपको बताया, इसमें जैसे पिछले पेज में अगर चले तो यहाँ पे एक कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, तो जितना जो है जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा उतना जो है वो रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है वो इस रिएक्शन का ज़्यादा होगा, अच्छे से रिएक्शन कर पाएगा। तो उसी के बेसिस पे एक पॉइंट देख लेते हैं, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, रिएक्टिविटी ऑर्डर देखेंगे एच एक्स का। ये जो हम एच एक्स ले रहे हैं ये क्या क्या हो सकता है, एच सी एल भी हो सकता है, एच बी आर भी हो सकता है, एच आई भी हो सकता है, तो इस एच एक्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है वो क्या होगा वो देखने वाले हैं। रिएक्टिविटी ऑर्डर टर्शियरी वाला जो होगा वो ज़्यादा रिएक्शन शो करेगा एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी, एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी क्या एल्कोहल्स। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर, एंड ऐसा क्यों है आपको ऑलरेडी पिछले वीडियोस में भी बताया था, जैसे यहाँ पे आर सी एच टू प्लस है, तो ये जो आर है ये डिपेंड, यहाँ पे एक्चुअली में ये इनिशियली ये एल्कोहल था, तो ये सी का ये ओ एच जो है वो इस कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, एंड ये कार्बन एटम एक एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ, अगर ये प्राइमरी एल्काइल ग्रुप है तो ये हो जाएगा आपका प्राइमरी एल्कोहल, अगर ये आर जो है वो ये कार्बन एटम अगर दो मतलब कार्बन से जुड़ा हुआ तो हो जाएगा सेकेंडरी, तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है तो हो जाएगा टर्शियरी। तो टर्शियरी जितना ज़्यादा मतलब टर्शियरी में क्या हो जाएगा, प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा, जिसके कारण जो कार्बोकैटायन जो बन रहा है वो क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। तो कार्बोकैटायन जैसे स्टेबलाइज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा रिएक्शन करेगा, इसीलिए टर्शरी ज़्यादा रिएक्शन करेगा सेकेंडरी के कंपैरिजन में, सबसे कम रिएक्टिव होगा प्राइमरी एल्कोहल। तो ये हमने एच एक्स का जो है वो रिएक्टिविटी ऑर्डर देखा, एंड रिएक्टिविटी ऑर्डर ये हमने किसका देखा है, एल्कोहल का, सॉरी एल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर देखा। अगर एच एक्स की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा एच आई, देन एच बी आर, एंड देन एच सी एल। ओके, यहाँ पे एच आई, एच बी आर एंड एच सी एल, ये हो जाएगा रिएक्टिविटी ऑर्डर। अब कुछ और बात कर लेते हैं कॉन्सेप्ट्स, तो जैसे कि हम लोगों ने इसका मैकेनिज्म देखा, इसमें जो है वो कार्बोकैटायन जो है वो फॉर्म हो रहा था, तो इसमें जेड एन सी एल टू के प्रेजेंस में हम लोग करवा रहे थे, तो अब देख लेते हैं कि जेड एन सी एल टू का यूज़ क्या है इसमें। तो ये जेड एन सी एल टू जो है इस रिएक्शन में डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है जेड एन सी एल टू, ये क्या करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है, एंड एच टू ओ को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, तो जो हैलाइड बनता है वो गुड यील्ड ऑफ हैलाइड हमको ऑब्टेन जो है वो हो जाता है। तो ये एच सी एल में से एच प्लस जो है वो जनरेट करता है, कैसे देखते हैं, एच सी एल को जेड एन सी एल टू से अगर हम लोग रिएक्ट करवाएंगे तो ये क्या होगा, जेड एन सी एल थ्री माइनस प्लस एच प्लस, तो ये जो एच प्लस का जो यील्ड है वो ये फेवर करता है जेड एन सी एल टू के प्रेजेंस में। अब हम लोग देख लेते हैं ये जो एच सी एल प्लस जेड एन सी एल टू है ये बहुत ही पॉपुलर रिएजेंट है, एंड इसका जो है वो नाम क्या है रिएजेंट का, इस रिएजेंट का नाम है लूकास रिएजेंट, ये याद रखना आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, लूकास रिएजेंट है, इस रिएजेंट का नाम क्या है, लूकास रिएजेंट, एंड लूकास रिएजेंट से हम लोग पता कर सकते हैं 1 डिग्री
टू डिग्री एंड थ्री डिग्री जो अल्कोहल बनता है उसके बीच का डिफरेंस पता कर सकते हैं लुकास रिएजेंट से, क्योंकि लुकास रिएजेंट जो है वो इस रिएक्शन में जो है टर्बिडिटी देता है, मतलब लुकास रिएक्शन अल्कोहल के साथ टर्बिडिटी देता है, शो करता है। तो वो टर्बिडिटी जो शो करता है वो कितने टाइम के बाद शो करता है उसके हेल्प से हम लोग पता कर सकते हैं कि ये 1 डिग्री है या 2 डिग्री है या 3 डिग्री अल्कोहल है। तो ये जो लुकास रिएजेंट है अगर 1 डिग्री से रिएक्ट करेगा तो ये टर्बिडिटी देता है 30 मिनट के बाद, एंड 2 डिग्री से रिएक्ट करेगा तो 5 मिनट के आसपास दे देगा 5 मिनट में, एंड 3 डिग्री से अगर रिएक्ट करेगा तो इंस्टेंटेनियसली दे देगा 1 मिनट में। तो ये टाइम से हम लोग पता कर सकते हैं जो अल्कोहल है वो कौन सा अल्कोहल है। तो ये लुकास रिएजेंट का हमने आपको बता दिया, ये आपको याद भी रखना है। ओके, तो ये हम लोग क्या देख रहे हैं अल्कोहल के हेल्प से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं हम लोग मोनोहेलाइड्स। तो कुछ और पार्ट देखते हैं इसका अल्कोहल के हेल्प से ही। ये पार्ट हम लोगों ने देख लिया कैसे अल्कोहल के हेल्प से प्रिपेयर कर सकते हैं। पहले ये पार्ट में हम लोगों ने क्या देखा, ये हम लोगों ने हाइड्रोजन हैलाइड मतलब RCH2OH में HXZnCl2 लुकास रिएजेंट के हेल्प से। अब हम लोग देखने वाले हैं फॉस्फोरस हैलाइड्स जैसे कि PCl3 या फिर PCl5 के हेल्प से कैसे हम लोग जो है वो बना सकते हैं मोनो हैलाइड्स को। ओके, तो चलिए देखते हैं, थोड़ा सा ही देखेंगे, जल्दी जल्दी अब देखते हैं। तो ये अल्कोहल है, इसमें हम लोग PCl3 अगर डाल दे रहे हैं क्या बनेगा, RCl भी बनेगा, उसके साथ साथ POCl3 भी बनेगा, एंड उसके साथ साथ HCl भी मिलेगा। तो RCl बन रहा है, मोनो हैलाइड बन गया। चलिए अब आगे देख लेते हैं, ये PCl3 में ऐसा सॉरी ये PCl5 के प्रेजेंस में ऐसा रिएक्शन होगा, एंड अगर PCl3 से करवाते हैं, मान लीजिए ये मैं ले लेता हूँ, इसमें PCl3 मैं ऐड कर देता हूँ, तो PCl3 ऐड करने के बाद जो है वो क्या बनेगा, 3RCl प्लस H3PO3। ये आपको याद रखना है, PCl3 से करेंगे तो H3PO3 ऑब्टेन होगा, साथ साथ इसके मोनोहैलाइड के साथ साथ H3PO3 ऑब्टेन होगा। PCl5 के साथ अगर करेंगे तो POCl3 और HCl जो है वो दोनों ही मिलेगा। तो PCl5 और PCl3 को अगर अल्कोहल में हम लोग ऐड करते हैं तो हम लोगों को मोनोहैलाइड्स जो है वो मिल जाता है। तो एक ऐसे भी हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। एक और मेथड है वो भी देख लेते हैं। चलिए, तो अल्कोहल के हेल्प से ही एक और मेथड है, एंड उस मेथड का नाम है डार्जेंस प्रोसीजर। उस मेथड का नाम है डार्जेंस प्रोसीजर। और डार्जेंस प्रोसीजर में क्या होता है, हम लोग थायोनिल क्लोराइड से जो है वो रिएक्शन करवाते हैं। इसमें होता क्या है रिएक्शन में, चलिए रिएक्शन को देख लेते हैं इसमें क्या होता है। तो इसमें क्या होगा, जैसे ROH लेंगे अल्कोहल, इसका 1 मोल लेंगे, 1 मोल ROH का ले लेंगे, 1 मोल SOCl2 का ले लेंगे, एंड ये देगा क्या RCl, एंड RCl के साथ में दो एंड प्रोडक्ट SO2 एंड HCl भी हम लोगों को मिल जाएगा। एंड ये जो है ये इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन होता है, पिरिडीन के प्रेजेंस में होता है, जिसमें 1 मोल पिरिडीन हम लोग चाहिए, ये भी 1 मोल और ROH भी 1 मोल चाहिए। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से भी मिल जाएगा क्या, मोनोहैलाइड्स RCl मिल गया ना। तो अल्कोहल के हेल्प से 3 प्रोसेस से हम लोगों ने देख लिया, एक PCl3 PCl5 डार्जेंस प्रोसीजर, एंड उसके पहले लुकास रिएजेंट के साथ भी हम लोगों ने देख लिया। तो ये 3 मेथड हम लोग देख चुके हैं अल्कोहल में, एंड उससे पहले भी 2 मेथड मैं आपको बता चुका हूँ कैसे कैसे प्रिपेयर हम लोग कर सकते हैं मोनोहैलाइड्स को। चलिए और मेथड्स देखते हैं कैसे मोनोहैलाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं हम लोग। तो चौथा मेथड जो है वो हम लोग रिएक्शन देखेंगे, बोरोडीन हंस डिकर्स रिएक्शन। तो बोरोडीन हंस डिकर रिएक्शन क्या होता है वो देख लेते हैं, बोरोडीन हंस डिकर रिएक्शन, बोरोडीन हंस डिकर रिएक्शन चलिए देख लेते हैं। तो बोरोडीन हंस डिकर्स रिएक्शन क्या होता है, इसमें RCOOAG हम लोग लेंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिल्वर सॉल्ट ऑफ अ फैटी एसिड। इसके साथ साथ हम लोग हेलोजन लेंगे X2, या तो Cl2 ले सकते हैं या फिर Br2 भी ले सकते हैं, और ये CCl4 और हीट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा। मिलेगा क्या हम लोगों को, RX मिलेगा, CO2 मिलेगा, और उसके साथ साथ हम लोगों को AgX भी मिलेगा। तो ये RX मिल गया, मोनोहेलाइड मिल गया। तो ऐसे भी हम लोग मोनोहेलाइड्स जो है वो
उत्पन्न कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं। नेक्स्ट मेथड देखते हैं कैसे बना सकते हैं। हैलाइड एक्सचेंज से भी हम लोग मोनो हैलाइड्स बना सकते हैं। हैलाइड एक्सचेंज के हेल्प से कैसे बना सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये RCl ले लेते हैं जैसे, ओके। RCl में हम लोग ऐड कर देते हैं क्या, Ki, ठीक है। ये ऐड कर दिए तो यहाँ पे हम लोग क्या बन जाएगा, Ri प्लस यहाँ पे मिल जाएगा KCl, ओके। तो RCl में हम लोग Ri और RCl को Ki से रिएक्ट करें, Ri और KCl मतलब इंटरचेंज हो गया, यहाँ पे Cl की जगह I, I की जगह Cl हो गया। और ये जो रिएक्शन होता है ये एसीटोन के प्रेजेंस में होता है, एंड इस रिएक्शन का नाम क्या है, कोनेंट फिंकलस्टीन रिएक्शन। ये याद रखना आपको, कोनेंट फिंकलस्टीन रिएक्शन, लिख देता हूँ मैं नाम, कोनेंट फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो इसका नाम होता है कोनेंट फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो हैलाइड एक्सचेंज के हेल्प से भी हम लोग बता सकते हैं, ओके। चलिए, अब कोनेंट फिंकलस्टीन एक पार्ट है, और स्वॉट रिएक्शन से भी हम लोग कर सकते हैं। स्वॉट रिएक्शन का अगर मैं बताना चाहूँ तो चलिए बता देता हूँ मैं आपको। कोनेंट फिंकलस्टीन हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है, चलिए स्वॉट रिएक्शन से कैसे होगा देखिए। जैसे CH3Cl है, एंड उसमें हम लोग HgF2 जो है वो ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे CH3F आपको मिल जाएगा, एंड उसके साथ साथ आपको HgCl2 मिल जाएगा। एंड इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं सॉल्ट रिएक्शन। और इस मेथड से हम लोग Ri और RF ही बना सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, Ri एंड RF बना सकते हैं। तो कोनेंट फिंकलस्टीन रिएक्शन इस रिएक्शन का नाम हो गया, एंड इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, स्वॉट रिएक्शन। तो ये हम लोगों ने चार मेथड देख लिए, सॉरी ये फिफ्थ मेथड था हैलाइड एक्सचेंज। एंड इसके सब पार्ट्स में हम लोग देखते जा रहे हैं कैसे कैसे प्रिपरेशन ऑफ मोनो हैलाइड्स जो है वो हो सकता है। बहुत ही डीपली देख रहे हैं थ्योरी को भी, एंड उसके बाद क्वेश्चन भी अच्छे अच्छे करेंगे, जिससे आपको बहुत प्रैक्टिस भी आपका हो जाएगा। लास्ट मेथड देख लेते हैं कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो एल्केन का रिएक्शन करवा सकते हैं हम लोग SO2Cl2 से, एल्केन्स का रिएक्शन करवा सकते हैं SO2Cl2 से। इसके बारे में देखते हैं कैसे हो सकता है ये। मान लीजिए मैं RH ले लेता हूँ एल्केन, उसमें मैं रिएक्शन करवा देता हूँ इसको SO2Cl2 के साथ, और ये जो रिएक्शन होगा वो लाइट और ऑर्गेनिक पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होगा, ठीक है। लाइट और ऑर्गेनिक पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होगा। तो RH में SO2Cl2 डालने के बाद क्या क्या प्रोडक्ट मिल सकता है, चलिए बताइए। तो ये मिलेगा आपको RCl, एक मिलेगा आपको HCl, एंड उसके साथ साथ SO2 भी रिलीज होगा। तो RCl, HCl और SO2 मिला, तो यहाँ पे RCl मिल गया। तो मोनोहैलाइड्स ऐसे भी हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। तो टोटल 6 मेथड्स हम लोगों ने देख लिया है कैसे मोनोहैलाइड्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ मोनोहैलाइड्स के बाद चलिए देखते हैं अब हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी देख लेते हैं, एंड अगले लेक्चर से हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, जो कि मेन पार्ट होता है इस चैप्टर का, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। यहाँ से भी पूछे जाते हैं, बहुत कम पूछे जाते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं एक एक करके। जो जो लोअर मेंबर्स होते हैं मोनोहैलाइड में, जैसे CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I, ये सब लोअर मेंबर्स हो गए, क्योंकि इसमें एक एक ही कार्बन एटम वाले हैं, ओके। और एक एक वाले नहीं, दो दो वाले भी जिसमें हो, जैसे C2H5Cl या फिर C2H5F, मतलब जितने भी एक या दो वाले, तो ये ज़्यादातर जो होते हैं ये गैस होते हैं रूम टेम्परेचर पे, ओके। रूम टेम्परेचर पे ये गैसेस होते हैं, ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और क्या हो सकता है। तो मतलब जो पेरेंट एल्केन्स होते हैं उससे ज़्यादा हाइयर बॉइलिंग पॉइंट होता है किसका, मोनोहैलाइड्स का, जो एल्केन्स होते हैं, ओके। और उसके बाद जो हम लोग इससे मोनोहैलाइड्स जब बनता है तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इसका मोनोहैलाइड्स का ज़्यादा होता है, और एल्केन्स का जो है वो कम होता है। एल्केन्स का लेस, मोनोहैलाइड्स का मोर बॉइलिंग पॉइंट होगा, ओके। एंड अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के बारे में भी बात करें, तो बॉइलिंग पॉइंट का अगर ऑर्डर भी देखा जाए तो Ri का सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, फिर उसके बाद RBr,
देन आर सी एल एंड उसके बाद आर एफ, ये हो जाएगा आपका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, ठीक है। एंड अगर उसमें बात करें तो प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्शरी होगा। जो आप मोनोहेलाइड्स के अगर कंसिडर करें तो प्राइमरी जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद सेकेंडरी का एंड उसके बाद टर्शियरी का। ओके, तो ये दो हमने लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखा, बॉइलिंग पॉइंट का और एग्जिस्टेंस किस फेस में होता है उसके बारे में हम लोगों ने बात किया। चलिए अब देख लेते हैं इसमें आपका जो, रुकिए, ये फिजिकल प्रॉपर्टी जो आर एफ हम लोगों के पास मिलता है, मोनोहेलाइड आर एफ भी होता है एंड आर सी एल भी होता है, तो ये दोनों जो है डेंसिटी की बात कर सकते हैं, या फिर वाटर से अगर कंपेरिजन किया जाए तो ये जो है लाइटर होते हैं ये दो कंपाउंड आर एफ और आर सी एल। और आर बी आर और आर आई की अगर बात करें तो इसका जो डेंसिटी हो जाएगा वाटर से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, मतलब वो डेंसर हो जाते हैं वाटर से। ओके, और तो अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें किसका, डेंसिटी का, अगर डेंसिटी के ऑर्डर के बारे में बात करें तो किसका सबसे ज़्यादा डेंसिटी होता है, आर आई का, उसके बाद आर बी आर का, उसके बाद आर सी एल का एंड उसके बाद आर एफ का, ये होता है डेंसिटी का ऑर्डर। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है एंड आपको इसका नोट्स भी बना के रखना है, मतलब लिखना भी है आपको, तो साथ साथ आप लिखते भी रहिए। नाउ अब कुछ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देख लेते हैं। तो जो आर एक्स होता है वो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड होता है, ये जो आर एक्स जो हम लोग को मिलता है मोनोहेलाइड, ये क्या होता है, पोलर होता है, कोवेलेंट, पोलर कोवेलेंट होता है, लेकिन ये जो होता है ये वाटर में इनसॉल्यूबल होता है। क्यों बताइए, वाटर में ये इनसॉल्यूबल होता है क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड ये फॉर्म नहीं कर पाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाता है इसलिए वाटर में ये इनसॉल्यूबल होता है। और ये आर एक्स जो होता है वो किस में डिजॉल्व होगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिजॉल्व होगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये आर एक्स जो है वो डिजॉल्व होंगे। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि वाटर में इनसॉल्यूबल होता है, ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं अगला, तो ये आर एक्स जो है इसको अगर बर्न करवाते हैं हम लोग, मतलब ये ग्रीन कलर का फ्लेम प्रोड्यूस होता है, ग्रीन कलर का फ्लेम प्रोड्यूस होता है क्यों, क्योंकि एक्स जो है वो सी यू वायर के साथ जो है वो रिएक्ट कर जाता है एंड इसीलिए जो है वो ग्रीन कलर प्रोड्यूस करता है। एंड इसको बोलते हैं हम लोग, इस टेस्ट को बोलते हैं हम लोग बिलस्टीन टेस्ट, बहुत डीपली मैं आपको बता रहा हूँ, तो अगर आप ये पढ़ते हैं तो सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर जो है वो हो जाएगा। एंड एट लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ स्टेबिलिटी ऑर्डर के बारे में देखते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी जो पूछा भी जा सकता है एंड जो आपको पता होना ही चाहिए। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर की अगर बात करें तो आर एफ जो होता है वो सबसे स्टेबल होता है, देन आर सी एल, देन आर बी आर एंड देन आर आई। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है आर एफ, देन आर सी एल, देन आर बी आर एंड देन आर आई। अब ये बताएं आर आई जो है ये लीस्ट स्टेबल क्यों होता है, ये आर आई लीस्ट स्टेबल इसलिए होता है क्योंकि ये फोटो डिकम्पोज कर जाता है, फोटो डिकम्पोजिशन कर जाता है। अब फोटो डिकम्पोजिशन किसको बोलते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आर आई जो है वो फोटो डिकम्पोजिशन कर जाता है, जैसे कि देखिए ये आर आई है, अब आर आई में मैं एच म्यू देता हूँ तो ये क्या बनेगा, आर आर प्लस आई टू, तो ये जो है वो जल्दी रिलीज़ हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो है जितना जल्दी रिलीज़ हो जाएगा उतना अनस्टेबल है ये, ठीक है, और जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो रिलीज़ नहीं होगा, इसलिए आर आई बहुत जल्दी रिलीज़ हो जाता है। इसलिए ये जो आर आई होता है ये जो है ये आर आई जो होता है वो लीस्ट स्टेबल एंड ये जो आर एफ है ये होता है मोस्ट स्टेबल। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया मोनोहेलाइड्स का। तो हम लोगों ने इस वीडियो में क्या क्या देखा है, स्टेबिलिटी ऑर्डर के बारे में देखा एंड स्टेबिलिटी ऑर्डर से पहले मतलब सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखे जितने भी हैं एंड उससे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि कैसे कैसे हम लोग मोनोहेलाइड्स का प्रिपरेशन जो है वो कर सकते हैं, मोनोहेलाइड्स का प्रिपरेशन कैसे कैसे कर सकते हैं, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स, एल्कीन्स प्लस एच एक्स, फिर एल्कोहल से कैसे कैसे बना सकते हैं, फिर उसके बाद हम लोगों ने लुकास रिएजेंट, पी सी एल थ्री, पी सी एल फाइव,
फिर डार्जेंस प्रोसीजर के बारे में देखा, और कैसे कैसे बना सकते हैं, हैलाइड एक्सचेंज से बना सकते हैं दोनों हैलाइड्स को, एल्केन्स प्लस SO2 Cl2 से बना सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी देखी, जिसमें एट लास्ट हम लोगों ने स्टेबिलिटी ऑर्डर के बारे में देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड आप कॉन्सेप्ट आ जाएगा SN1 SN2 E1 E2 सबका। ओके, तो थैंक्स।